हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं मेरे प्रिय जनों। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, सुबह दिखाई, मीठी सी प्यारी सी रात दिखाई है प्रभु ने। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। उसी के दान से को जीवन मिला है, उद्धार हुआ है, अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियजनों, ठीक है। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया कि उसने कोड़े खाए, मार खाए, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा। क्यों? क्योंकि हमारे कारण, हमारे पापों के कारण गुनाहों का बोझ, बीमारियों का बोझ, पापों का बोझ, गुनाहों का बोझ परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिए और कलवरी क्रूस पर चढ़ गया। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह बलिदान हो गया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा मेरे प्रियजनों। वह जीवित परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। हम सभी लोग जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं मेरे प्रियजनों, क्योंकि उसी के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का परमेश्वर ने जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह में है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह वह सीढ़ी है जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना जरूरी है, क्योंकि विश्वास से हमें केवल स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता है। कर्म बिना भक्ति व्यर्थ है मेरे प्रियजनों, हमें विश्वास के साथ कर्म भी करना है मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में ग्रस्त हैं, यदि हम नहीं चंगे हो रहे हैं, तो आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं, उस जिंदा परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं, उस यहोवा जलाल परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। वो परमेश्वर इतना महान है, वो दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। उसको सिर्फ आपके जीवनों में आदेश देना है और वैसा ही आपके जीवन में हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है, यीशु मसीह के नाम से पुकारना है। मेरे प्रियजनों, अपने जीवन में जो हर तरह के बंधन हैं, जो शैतान की ओर से बंधन हैं, उनको अपने मुंह से पश्चाताप करना है, अंगीकार की तरह उन्हें तोड़ना है, आजाद करना है, कैंसिल करना है, खंडित करना है, आउट करना है, विफल करना है मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा थरथराती हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा कांपती हैं, उनकी औकात नहीं है, वो यीशु मसीह के सामने टिक नहीं पाएंगे मेरे प्रियजनों, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है, वह अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह सभी के मांगने से पहले जानता है कि हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या इच्छाएं हैं, क्या जरूरतें हैं। वो परमेश्वर महान है, वो दयालु परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। आपके जीवन से बीमारी के बंधन, शराब के बंधन, हर एक तरह के बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, कट जाएंगे, आउट हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, खंडित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रियजनों, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपते हैं मेरे प्रियजनों। यीशु मसीह के सामने में नहीं टिक पाएंगे मेरे प्रियजनों। यदि बीमार हैं, बीमारी में ग्रस्त हैं, यदि गरीब हैं, लाचार हैं, कमाने नहीं हैं, यदि रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपनी शादी को लेकर टूट चुके हैं, तो इन सारी बातों को पिता प्रभु यीशु मसीह से, पिता परमेश्वर से बताएंगे, उस परमेश्वर से बताएंगे। परमेश्वर हमारे आंसुओं को पोछेगा, यीशु मसीह हमारे दुखों को दूर करेगा। वो महान परमेश्वर, जीवता परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। इस प्रार्थना को आंख बंद करके लास्ट तक सुनेंगे और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करेंगे, ठीक है। इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनने का कार्पेट करना, देखिए चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पिता। जो आपने हम सभी को मेरे पिता ज्योतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे प्रभु, इसके लिए पिता का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे परमेश्वर पिता, कितने मनुष्य होंगे पिता, अन्य जाति लोग होंगे पिता, जो आपको नहीं जानते होंगे प्रभु, जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से भी बिछड़ गए होंगे प्रभु, वे कैसे स्थान पे चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। मेरे स्वामी, जो आपने मेरे पिता हम सभी का नाम लेके बुलाया है, उद्धार कर दिया है, छुटकारा कर दिया है, इस संसार से चुना है, चुन के अलग कर दिया प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
पवित्र 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 पवित्र। आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं, मेरे परमेश्वर पिता। आपके द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, अनंत काल का जीवन प्रभु आपने दिया मेरे पिता। हम खासतौर से प्रार्थना करते पिता, आपके दास होने के नाते पिता, इन मसीह भाइयों के जीवनों में आदेश देते पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुने प्रभु और लास्ट में आमीन भरकर रिसीव करें मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके प्रभु, ये नहीं चंगे और यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु, आपके दास होने के नाते प्रभु यीशु मसीह इनके जीवनों में यीशु मसीह आदेश देते प्रभु, इनके जीवन से पिता वो बीमारी के बंधन टूट जाए पिता। ये मसीह बाबा चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, आजाद हो जाओ बोलकर आमीन, रिसीव करो आमीन बोलकर चंगाई। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगाई उंडेल दीजिए पिता उनके ऊपर पिता। पिता किसी के कैंसर गलती अरसलिया बुखार नाना प्रकार की बीमारी में लिप्त प्रभु, ये नहीं चंगे हो रहे यीशु मसीह आपके नाम से पिता। ये मसीह बाबा चंगे हो जाए, चंगे हो जाए पिता। किसी के पास मेरे प्रभु परमेश्वर पिता यीशु पापा, किसी के पास मेरे परमेश्वर पिता इतना पैसा नहीं है प्रभु कि अपना इलाज करा सके पिता, पिता पिता इन्हें चंगाई दीजिए पिता। यू टच मी पवित्र आत्मा जी, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, छू ले पिता, हर एक जनों को छू ले पिता, ये चंगे हो जाए, बीमारियों से आजाद हो जाए पिता। हम खास तौर से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जो इनके जीवन में समस्ती, जो शैतान की ओर से बंधन है, जो रुकावट के बंधन है, जो शैतान की ओर से बंधन है पिता, जो भी गंदी चाले गंदी आत्माएं, बद्रू चाले दुष्ट आत्माएं पिता उनके जीवन में कार्य करते, जो कराधरा के बंधन है, जो जादू टोना की बंधन है, यीशु मसीह आपके नाम से टूट जाए, टूट जाए, कट जाए, आउट हो जाए, विफल हो जाए, खंडित हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर पिता आपने हमें सामर्थ्य दिया परमेश्वर, आपने कहा जाओ मुर्दों के जिलाओ, अंधों को दृष्टि दो, कोढ़ पाजु को शुद्ध को, मेरे नाम से प्रभु आपने कहा है। मेरे परमेश्वर इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मेरे पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो गरीब है पिता, जो लाचार है, जो कमाने वाले नहीं है मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु किसी अन्य जाति के हाथ ना फाले नहीं पाए पिता, ये 100-200 रुपए पर पिता इधर उधार ना ले नहीं पाए मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता परमेश्वर प्रभु आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभाल लीजिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर होता है पिता, वह टूट सकता है, बिखर सकता है मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, टूटोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे। यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, खटखटाते हैं, इन तमाम मसीह के जीवन में समस्ती पिता ने पवित्र आत्मा दीजिए पिता। मेरे प्रभु इनके जीवन से जो गरीबी के बंधन है वे टूट जाए पिता, जो रुकावट के बंधन है वे टूट जाए पिता। मेरे प्रभु उनके घरों के ऊपर पिता आशीषें उंडेल दीजिए पिता, गरीबी को दूर कर पिता, तंगी परेशानी को दूर कर पिता, पिता इनके घरों के पिता वो बरकत उंडेलिए पिता, वो रुकावट के बंधन दूर हो जाए, उनके जीवन में समस्ती वो चेंजिंग लाइए, बदलाव लाइए, वो मिराकल कीजिए, अद्भुत चमत्कार करने लगे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आपने अंधों को दृष्टि दिया, कुड़े पाजों को शुद्ध किया पिता, आप यहोवा जलाओ रहे मेरे परमेश्वर पिता, आपके ना कोई तुल्य हुआ और ना कोई पाकर जगत में मेरे पिता, अद्भुत चमत्कार करने लगे परमेश्वर हैं पिता। मेरे प्रभु मेरे पिता हम प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर उन मसीह भाइयों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जिन मसीह भाइयों की शादी नहीं होती पिता, जो शादी को लेकर टूट चुके हैं, बिखर चुके, रो रहे, मिलक रहे, चिल्ला रहे मेरे पिता, जो टेंशन डिप्रेशन में चले गएंगे मेरे पिता। मेरे प्रभु आपके वचन के अनुसार पिता इनकी शादी का रिश्ता नहीं पाए पिता, इनकी शादी हो जाए प्रभु, ये उधर तक झाट में ना लग रहे नहीं पाए पिता, शैतान इन्हें नाश ना करने पाए पिता, क्योंकि शैतान तो फाड़ना नोचना चाहता है पिता, वह इसी खोज में रहता है कि इसको फाड़ खाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जो आपने हमें सामर्थ्य दिया पिता, जो पिता आपने हमारे पैरों से ही पिता शैतान को कुचल कर रख दिया प्रभु, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, मेरे प्रभु जो मसीह भाई बहन रात में नहीं सो पाते पिता, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, गंदे सपने आते हैं, ख्याल विचार आते हैं प्रभु, मेरे परमेश्वर जब लेटे पिता तब इन्हें सुख की नींद आने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मेरे पिता कोई गंदी आत्माएं, बद्रोही चाले, दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में पिता कार्य ना करने पाए, वे कट जाए इस मसीह के नाम से। मेरे प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक अंधले भय से न डरना। मेरे परमेश्वर पिता इस वचन के अधिकार को मांगते प्रभु, छोटी सी मृत्यु उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।